नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर सईद अता हसनैन ने उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों के बारे में बहुत बड़ी बात कही। दरअसल उन्होंने आश्वासन दिया कि टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। उन्होंने वादा किया कि सभी मजदूर अपने अपने परिवार वालों से मिलेंगे। दरअसल मजदूरों के परिवार जन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और पूरा देश दुआ कर रहा है कि ऑपरेशन जिंदगी जल्द से जल्द पूरी हो और सभी की जिंदगी महफूज हो सके, सभी इस टनल से बाहर निकलकर सुरक्षित वापसी कर सके, जिसका इंतजार पूरा देश उनका परिवार कर रहा है। तो उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात नोडल ऑफिसर नीरज खैरवाल ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपडेट देते हुए बताया है कि सुबह ऑगर मशीन को काटकर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी ऑगर मशीन का हेड मलबे में फंसा हुआ है और उसे निकालने के लिए पाइप को काटा जा रहा है। तो आपको बता दें कि ऑगर मशीन का जो हेड है वो अभी फंसा हुआ है, ये जानकारी निकल कर आ रही है, अपडेट निकल कर आ रहा है, लेकिन पाइप को जो है वो काटा भी जा रहा है ताकि उसे सेफली बाहर निकाला जा सके। जो टनल के अंदर हॉरिजॉन्टल ऑगर मशीन के द्वारा जो काम किया जा रहा था, उसके अंदर जो ऑगर मशीन फंस गई थी, वो ऑगर मशीन का काट काट करके वो सारा पार्ट निकाल लिया गया है। वो अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 3:30 से 4 बजे के अराउंड वो काम पूरा हो गया था, मतलब कटने का 3:30 से 4 बजे तक निकल गया था। लेकिन उसी मशीन का जो हेड होता है आगे, वो हेड अभी अंदर फंसा हुआ है, उसके लिए पाइप को भी काटा गया। जो मशीन के जो लास्ट पार्ट है उससे 1 मीटर पाइप पहले काटा गया है, 0.9 मीटर पाइप और काट करके उसका एक प्रोविज़न रखा गया है। तो यू कैन से कि 1.9 मीटर के अराउंड जो पाइप है उसको कट करना पड़ेगा, लेकिन 1 मीटर ऑलरेडी कट किया गया है। 0.9 मीटर के बाद में पुश करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि जो हेड है हेड तक पहुंचा जा सके और